अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं अमान शाहिद। आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की जाने। It all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कोरोना वायरस के फैलाव, अस्पतालों में सहूलतों और आइंदा की सूरत हाल से आगाह किया गया। कोविड 19 के फैलाव को रोकने के हवाले से इकदामात पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर मुआसलात मुराद सईद ने कहा है कि इस साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया और 1,60,00,000 खानदानों को फी खानदान 12,000 रुपये इमदाद दी। डॉक्टर जफर मिर्जा की हिदायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डेक्सामिथासोन इंजेक्शन के बारे एडवाइजरी जारी कर दी। डेक्सामिथासोन की डॉक्टर के नुस्खे पर फरोख्त करने की इजाज़त विफाक और सूबों के ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई। अक़्वामे मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जोलिन फ्रेडरिक मार्कोन हॉर्नेस की वजारत खारजा में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दौरान मुलाकात कोरोना आलमी वबाई सूरत हाल से निपटने के हवाले से तबादला ख्याल। कोरोना के खिलाफ विफाक और सूबे मिलकर इकदाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला बीमारी के खिलाफ हर अव्वल दस्ता है। नई दवा के रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने ज़मीनी हकाइक का जायजा लेने के लिए लाहौर, कराची और लाड़काना के दौरे किए। वज़ीर आला महमूद खान की वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर से मुलाकात। फेडरल PSDP के तहत सूबे में मेगा तरक्याती मनसूबों के हवाले से बातचीत। चश्मा राइट बैंक लिफ्ट के नाल मनसूबे की फिजिबिलिटी को PSDP में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इजलास। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सूबाई वज़राए तालीम की मुशावरत से तालीमी और तदरीसी अमल से मुतालिक मुस्तकबिल के लाए अमल पर मुश्तरक हिकमत अमली तश्कील देने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम को हिदायत। तालीमी निज़ाम में तबकाती तफरीक को ख़त्म करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने सालाना रिपोर्ट 2019 पेश की। चेयरमैन नैब की सदर मुमलिकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो आज़ाद इदारा है। मुआशरे से बदउनवानी ख़त्म करने के लिए नैब को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। जिन इलाकों में वबा फैल रही है उनको सील किया जा रहा है। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तमाम अमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं। यौमिया 1200 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी का आगाज भी किया जा चुका है। बलोचिस्तान के आवाम को सेहत की तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। सूबे में कोरोना 98% मुकामी तौर पर फैला है। तर्जुबान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया से गुफ्तगू। इस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार तीनों मुलजिमान को उम्र कैद और 10,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमान इमरान फारूक के वर्सा को 10,00,000 रुपए अदा करें। चीन की कंपनियों का हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के साथ इश्तराक पर फख्र है। पाकिस्तान के साथ कारोबारी शराकतदारी चीन की तरजीह है। चीन की तरक्की की बुनियाद बड़ी संतों की तरक्की के मरहून मिन्नत है। चीन के सफीर याओ जिंग का तकरीब से खिताब। कोरोना वायरस के तकरीबन 1.5 लाख केसेस के बावजूद सऊदी अरब ने 21 जून से अपना सियासी शोबा बहाल करने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की फौज भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेश। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का फौज को मुल्क भर के करंटीना सेंटर्स की निगरानी का हुक्म। बरतानिया के डेक्सामिथासोन को कोरोना के खिलाफ मौसर करार दिए जाने के बाद ये दवा इस्लामाबाद की मार्केट्स में पहले महंगी और फिर गायब हो गई। बददियानत पाकिस्तानी ताजरों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी।
भारत के खिलाफ 2011 का वर्ल्ड कप फिक्स था और यह उस वक्त हुआ जब मैं वजीर खेल था। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल का इंकशाफ। जिले इंतजामिया लाहौर ने लॉकडाउन करदा इलाकों को जराइम से पाक करने का अमल शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मीरी की निगरानी में शाहिदरा के इलाके में धोने का अमल जारी। हनीफ पार्क को आज जरासीम से पाक किया गया। हनीफ पार्क के इलाके को मुकम्मल तौर पर धोया गया। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन करदा इलाकों को धोया जा रहा है। जिला इंतजामिया लाहौर पेट्रोल पंप्स की चेकिंग कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मीरी की कार्रवाइयां शाहिदरा के इलाके में की गई। टाइगर फोर्स के रजाकार और MCL भी हमरा साथ गैर कानूनी तौर पर कायम पेट्रोल मशीनों को जब्त कर लिया गया। MCL को पेट्रोल मशीनें वापस ना करने की हिदायत की गई। जिले इंतजामिया लाहौर का लॉकडाउन करदा इलाकों का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन निशान नसुल्ला रांझा का लॉकडाउन करदा इलाके गार्डन टाउन का दौरा, खिलाफ वर्जी पर दो होटल्स को सील कर दिया गया। सियालकोट पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से फेस मास्क और कोरोना वायरस के हवाले से जबरदस्त आगही मुहिम का आगाज। DPO सियालकोट ने लोगों को फेस मास्क पहनाए और शहर के मुख्तलिफ चौराहों में शहरियों में फेस मास्क तस्लीम किए। कराची में इतिहाद टाउन जंगी चौक मुर्गी सप्लाई के दफ्तर में मुलजिमान की लूटमार। मुलजिमान 5.5 लाख से ज्यादा रकम लूट कर फरार। वाकया गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब पेश आया। 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर निजी दफ्तर पहुंचे। 1 मुलजिम बाहर मोटरसाइकिल पर मौजूद रहा। 2 मुलजिमान दफ्तर में दाखिल हुए और तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ग्रेट न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट greatnews.tv।